और सरपंच योद्धा 22 पॉइंट, जिसमें से कुछ समय आना शेष, केवल दो ही डिफेंडर और यहाँ पे सुपर टैकल का अपॉर्चुनिटी, तीन डिफेंडर सॉरी, और एक बेहतरीन टैकल यहाँ पे एंकल होल्ड का प्रयास और सपोर्ट। यहाँ पे मैच चालू हो चुका है और पहले रेड पर है जो कि मुख्य रेडर माने जाते हैं अपने टीम के विनय, 8 नंबर की जर्सी में लेफ्ट रेडर है और यहाँ पर रनिंग बोनस का प्रयास था और पॉइंट का भी दावा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पे एक पॉइंट मिलते हुए और इसी के साथ खाता खोलते हुए सरपंच योद्धा और सुजीत रेड पर है यहाँ पर लेफ्ट रेडर। इस प्रकार से आगामी मैचों और पिछले कुछ मैचों को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट रेडरों का दबदबा यहाँ पे इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है और बिल्कुल ये अपने टीम को लीड दिलाते हैं। सुजीत पहले रेड पे हैं, बेहतरीन रेडर माने जाते हैं, प्रयास यहाँ पे बेहतरीन था लेकिन खाली हाथ यहाँ पे जाएंगे। सुजीत एक तरफ है सरपंच योद्धा जो पिछले मैच में कांटे की टक्कर के साथ यहाँ पे सेमीफाइनल में प्रवेश की हुई है, दूसरे टीम तरफ से है जनपद के जाबाज जिसमें बहुत ही बेहतरीन डिफेंडर मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं और साथ में बेहतरीन रेडर और यहाँ पे बोनस का प्रयास था लेकिन रेफर के द्वारा बिल्कुल नकारा गया इस बोनस को। बोनस अगर आपका पैर बॉल अंदर रहता है क्रॉस बोनस लाइन के अंदर रहता है और एक पैर उसी समय हवा में रहेगा और यहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्लेयर को यहाँ पे पॉइंट बनाया राकेश ठाकुर और 8 नंबर की जर्सी में लगातार ये रेड करते हैं अपनी टीम के लिए। विनय लेफ्ट रेडर हैं और बेहतरीन का फुटवर्क है, स्किल उनके पास बहुत ही प्रकार की स्किल है और यहाँ पे पूरे लेफ्ट कॉर्नर तक रनिंग करते हुए लेकिन बहुत ही सही उनके साथ काम हो रहे हैं यहाँ पे डिफेंडर। और अभी मैच जनपद के जाबाज और सरपंच योद्धा के मध्य मैच खेली जा रही है। देर से आकर सक हमको बता दूं सरपंच योद्धा वर्सेस जनपद के जाबाज और जनपद के अध्यक्ष बैठे हुए हैं मैच का आनंद लेते हुए माननीय देवेंद्र देशमुख जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष दुर्ग। बहुत ही बेहतरीन प्रयास लेकिन उसके साथ ही बेहतरीन स्केप यहाँ पे लिखा देखने को मिला रेडर के द्वारा और एक पॉइंट इसी के साथ बढ़ोतरी कर रहे हैं और दो पॉइंट यहाँ पे 12 नंबर की जर्सी में रेडर हैं और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन स्टेज का प्रयास था स्टेज का यहाँ लेकिन देखते हैं मल्टी पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए दो पॉइंट का स्कोर यहाँ पे अपने टीम के लिए यहाँ पे दो पॉइंट अर्जित किया है 12 नंबर की जर्सी में प्लेयर ने। फिर से रेड पे है सुरजीत, एक बढ़िया रेडर माने जाते हैं ये प्लेयर और स्किल के साथ खेलते हैं, इनके पास बहुत ही वैरायटी में स्किल है और यहाँ पे रनिंग हैंड टच और एक बेहतरीन प्लेयर को आउट किया गया है, मेन रेडर है विपक्षी खेमे से और विनय को आउट कर दिया, इसका एक एडवांटेज है मेन रेडर को बाहर किया गया है। लेकिन ये रेडर बहुत ही धमाकेदार रेडर है, अगर ये रेडर चल जाएंगे तो अकेले मैच अपने खेमे में ला सकते हैं राकेश ठाकुर जो कि बहुत ही बाहुबली रेडर माने जाते हैं और ये बोनस का प्रयास आसानी से हाथ नहीं आते, ये रेडर बहुत ही फोर्स के साथ खेलते हैं और पूरा डीप में जाकर प्रयास किया लेकिन सफल रहा उनका प्रयास और खाली हाथ वापस लगातार रेड पे है सुदीप और यहाँ पे फिर से हल्के हल्के कदमों से प्रयास जारी, सफलिंग कर रहे हैं, फुटबॉल ले रहे हैं, ये बेहतरीन बीच से जाकर निकल गए, एक बेहतरीन स्केप पे मुजाहरा हुआ है प्लेयर के द्वारा और अपील कर पॉइंट मिल जाए लेकिन दो ही पॉइंट यहाँ पे स्वीकृत अंपायर द्वारा और दो पॉइंट बहुत होते हैं, ये शुरुआती लम्हे हैं, अगर आप लीड बना के रखते हैं तो आपको अंतिम समय में इसका एडवांटेज बिल्कुल मिलेगा। और राकेश ठाकुर जी दोबारा रेड पे हैं, लगातार रेड कर रहे हैं अपने टीम के लिए लेकिन अभी तक एक पॉइंट अर्जित नहीं किए हैं, उनको विनय का प्रयास है लेकिन फिर से रेड पे हैं सुजीत लगातार अपने मैराथन रेड करते हुए ये खिलाड़ी और मेरे को लगता है यही अपने टीम के मेन रेडर लग रहे हैं इस लम्हे में और शुरुआती दौर है ये मैच का
और इनको बहुत ही और एक बहुत ही चपलता भर पूर्व इंसान इनका शॉट रहा तुरंत लेकिन रेडर आउट बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहाँ पे अंपायर द्वारा और ऑल आउट का खतरा मंडराते हुए यहाँ पे सरपंच योद्धा के ऊपर दो ही केस बचे हुए हैं और दोनों बेहतरीन डिफेंडर माने जाते हैं। लेकिन जो रेडर है वो भी एक बहुत ही बेहतरीन रेडर है, उसको पता है किस प्रकार काउंट लगाना है और यहाँ पे बेहतरीन दोनों प्लेयर ने एक ही पॉइंट से डाला और बेहतरीन प्रयास के बाद उनको बेहतरीन परिणाम मिला है। उन्हें चार पॉइंट मिलते हुए जनपद के जवान और पुनः वापसी मेट पे रेडर देखते हैं विनय आठ नंबर की जर्सी में है, बहुत ही चपलता भरे रेड करते हैं। स्पीड इनका खासियत है, पता ही नहीं चलेगा कब आपको स्किल का अपना पीक लगाएंगे कब स्किल लगाएंगे। रनिंग हैंड का बेहतरीन प्रयास था दोनों तरफ से, लेकिन यहाँ पे अंपायर पॉइंट मिल रहे हैं और दो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। निश्चित तौर पर दो पॉइंट सरपंच योद्धा को दो पॉइंट और ये लीड कम फासला कम करने वाली पॉइंट है और आपको मैच में बनाए रखने वाली पॉइंट है। मेन रेडर के तौर पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया था और यहाँ पर रेड पर लगातार अपने टीम के लिए मैराथन रेड पे हैं सुधीर, उनका टीम लीड पे है तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अनावश्यक तौर पर कोई प्रयास करें और बिल्कुल अपनी यहाँ पे दुर्ग जिला कबड्डी टीम विधायक ट्रॉफी स्वर्गीय भरत लाल देखने को क्रीडा संस्था द्वारा और बहुत ही बढ़िया कैच पॉइंट यहाँ पे विनय द्वारा। और अभी हमारे बीच में वैशाली नगर निगम से आप सभी का हम आमंत्रण करते हैं, स्वागत करते हैं। गोविंद जी पार्सल हमारे बीच पहुंचे हुए हैं नगर निगम वैशाली से, भुवनेश्वर ठाकुर जी अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं। ईश्वरी जी घमासान मैच चलता हुआ दोनों के मध्य, चंद्रभा ठाकुर जी साथ में अनूप डे जी सभी हमारे बीच में पार्षदगण नगर निगम वैशाली से अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं आप सभी का। बिल्कुल मैच का आनंद लेके पूरा साहू जी को बोलूंगा कि वो आगे तक कम्युनिटी संभालेंगे। धन्यवाद गुलाब जी और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने इस आयोजन के बारे में एक विशेष जो इस फैसिलिटी है जो आयोजन करता है उसके बारे में आप सभी को बताया है उन्होंने किस प्रकार ये दुर्ग कबड्डी लीग इसका पहला सीजन ये देखने को मिल रहा है और एक सफल सीजन देखने को मिल रहा है और हमारे दुर्ग कबड्डी टर्म के अंदर जितने प्लेयर आते हैं दुर्ग जिले के अंदर सभी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। जिस प्रकार आप आईपीएल देखते हैं प्रो कबड्डी लीग देखते हैं उसी प्रकार हमारे दुर्ग जिला के अंतर्गत ये दुर्ग कबड्डी प्रीमियर लीग होने को पहला चरण है और एक बहुत ही बढ़िया प्रयास मैं मानूंगा कि हमारे प्लेयरों का प्रतिभा जो देखने को मिल रहा है हमको ग्रेट प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़ाते हुए हमारे आठ नंबर की जर्सी में विनय रेड पे दोबारा आए हैं और लगातार पॉइंट अर्जित कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, ये अपनी टीम के लिए लीड लेकर हैं लगातार स्कोर करते हैं और ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे जहां भी आप जाएंगे अपनी टीम के लिए हमेशा स्कोर करते हैं ये प्लेयर। उसी के साथ दो रेडर बॉल बालन कर रहा है दोनों टीमों की तरफ से लगातार मेरा रेड कर रहे हैं दोनों लेफ्ट रेडर हैं सुजीत और ये भी अपने टीम को आगे बढ़ाए हुए हैं। अभी लीड निश्चित तौर पर जनपद जाबाज का लीड बना हुआ है और सात 13 पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट का दावा यहाँ पे कर रहे हैं और निश्चित तौर पर डिफेंडर द्वारा सिखाया जा रहा है जो कौन है यहाँ पे के लिए सरपंच योद्धा के तरफ से रेडर है विनय आठ नंबर की जर्सी में लगातार रेड मार रहे हैं जो छोटी बात नहीं है। अगर कोई रेडर लगातार रेड मारता है मतलब उसके अंदर बिल्कुल ही एक
संपूर्ण रेडर वाला गुण होता है जो अपनी टीम को लीड में लाते हैं और जहां से भी पिछड़े होंगे जितने पिछड़े हों अपनी टीम को लीड में लाकर मैच में जिंदा बना रखते हैं। ये शुरुआती लम्हे हैं, फर्स्ट हाफ का ये मैच चल रहा है और लगभग 7 पॉइंट से लीड पे है, 6 पॉइंट से लीड पे है जनपद जाबाज और सरपंच योद्धा यहाँ पे चाहेंगे कि अपना लीड बनाए रखें, लीड को कम कर सकें और मैच में बने रहें। सुजीत यहाँ पे रेड पे हैं, जब तक विनय कोर्ट पे खड़ा है वो मैच को बना के रखेगा, वो एक ऐसा रेडर है जो अपनी टीम को पिछड़ने नहीं देगा। लीड बिल्कुल निश्चित तौर पे जनपद के जवाब के पास है लेकिन सरपंच की योद्धा एक बहुत ही बेहतरीन टीम है जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करके ही फाइनल में प्रवेश किया है, तो मैच अंतिम क्षणों तक बना रहेगा और आप नहीं बता सकते कि कौन सी टीम जीत के जाएगी। स्वागत है आप सभी का, एक बार फिर आइएगा। साथ ही कोडारी के भी सरपंच हमारे बीच पहुंचे हैं, आप भी आइएगा, अभिनंदन है, स्वागत है, मंच तक आ सक पाएंगे, विराजिएगा। कुछ देर पश्चात हमारे बीच समापन मेला के साथ समापन विधियों का आगमन भी इस मंच तक होगा। 2 पॉइंट हम और आप इस मंच तक बिल्कुल जुड़े रहेंगे और देखेंगे स्नेह स्नेह मंच तक हमारे लिए सभी अतिथि का आगमन हो रहे हैं, बिल्कुल आप सभी की आशीर्वाद इस मंच तक बिल्कुल बना रहेगा। दुर्ग जिला कबड्डी प्रीमियर लीग में विधायक प्राप्ति में आप सभी आसन ग्रहण करेंगे, विराजिएगा आप सभी। और ये देर से आए दर्शक जी को आप सभी को बता दूं, ये जनपद जवाब और सरपंच योद्धा के मध्य यहाँ पर मैच के लिए जारी है जिसमें से आप सभी आनंद ले रहे हैं। आइए मैच पर आप सभी को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं और कुछ पश्चात हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि समापन की मेला के साथ हमारे बीच जुड़ेंगे और प्रथम से ही फाइनल मैच का आप सभी आनंद ले रहे हैं और द्वितीय मैच का आप सभी आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया गया है, 7 नंबर की जर्सी में है, नए प्लेयर आए हैं, डिफेंडर है। जितने भी टीम है उन सभी को मैं अवगत करा दूं जो हमारे बीच में 8 टीम है और 8 टीम के मैं कोच मैनेजर से कहना चाहूंगा टीम ने कीटअप होकर के आप सभी 8 टीम के कोच मैनेजर ध्यान देंगे, आप सभी टीम सीट में तैयार होकर के अति शीघ्र पहुंचेंगे, सामने बैठेंगे हमारे बीच में जहाँ पे मैदान में अंदर बैठने की जो व्यवस्था है आप सभी बैठेंगे, कोच मैनेजर ध्यान देंगे, आप सभी को अवगत करा दूं जो भी टीम हमारे बीच में है। हेलो, सेकंड सेमीफाइनल रिसारी रॉय कुडवा फाइटर रिसारी रिसाली रॉयल वर्सेज कुडवा फाइटर फर्स्ट कॉल, कोच मैनेजर ध्यान दे। आप सभी आनंद दे रहे हैं हमारे बीच में प्रथम सेमीफाइनल मैच जनपद शाहबाज और सरपंच योद्धा के मध्य मैच आप सभी को देखने को मिल रहा है, साथ ही दूसरा सेमीफाइनल मैच अभी आप सभी को हमारे बीच में महापौर प्रतिनिधि अशोक सिन्हा जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, मंच तक आसन ग्रहण करेंगे अशोक सिन्हा जी। दूसरा सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे रिसाली रॉयल्स और खुडवा पैंथर्स, दोनों टीम बिल्कुल वार्म अप पर अपना तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार लीड बनाए हुए हैं, 20 पॉइंट यहाँ पे जनपद जाबाज और सरपंच योद्धा 9 पॉइंट और यहाँ पे लगातार चलते हुए प्लेयर अपने टीम को आगे बनाए रखे हुए हैं, लगातार ये प्लेयर अपने
बहुत बेहतरीन योगदान दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। और इसके साथ आप प्लस वन पॉइंट यहाँ पे इशारा है रेफरी के द्वारा, और विनय को कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए, क्योंकि आप बेहतरीन रीडर हैं, अपनी टीम का लीड प्लेयर हैं, और लगातार भरसक प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है विनय के द्वारा। लेकिन इसी के साथ दोनों तरफ से चलना होगा, सपोर्ट करना पड़ेगा विनय का। बॉइस पॉइंट है जनपद आवाज और सरपंच योद्धा के पॉइंट है 9। एक बहुत ही बड़ा फासला यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है स्कोरबोर्ड में दोनों टीमों के बीच, और ये इसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे भी करके आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप मैच में बन पाएंगे। क्योंकि ये पहला ही हाफ है, अभी मैच आपके पास बहुत ज्यादा है, टाइम बना बचा हुआ है आपके पास। और यहाँ 12 नंबर की टीम है, 2 अंडर एज के आए हुए हैं, ये भी लेफ्ट रेडर है, बहुत अच्छे रेडर माने जाते हैं। और 12 नंबर की टीम के रेडर देखते हैं क्या कर पाएंगे, 2 अंडर एज पे हैं और लगातार सभी बेहतरीन एंगल हो यहाँ पे। 7 नंबर फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, और मैं चाहूंगा हमारे बीच में माननीय श्रीमती हमीद गायकवाड़ जी, जनपद के उपाध्यक्ष, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। अब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, मस्तकासन धारण करेंगे। हमीद गायकवाड़ जी, जनपद उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत दुर्ग। और 10 नंबर की जर्सी पे यहाँ पे है राकेश, इसको अपना बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है, लेकिन अभी तक मैच में दिखाई नहीं पड़े हैं, क्योंकि उनको स्कोर करना पड़ेगा, एक बेहतरीन प्लेयर उन्होंने 1 पॉइंट लिया है उन्होंने, और 1 पॉइंट का इशारा यहाँ पे रेफरी के द्वारा, और बहुत ही बड़ा लीड यहाँ पे बना कर रखे हैं, 14 पॉइंट का लीड है यहाँ पे। लेकिन ये कबड्डी का खेल है, यहाँ पे आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जीत जाएगी, यहाँ पे लीड रखी हुई टीम हार जाती है, और इसके लिए बिल्कुल प्रयास की आवश्यकता है, सरपंच योद्धा को बिल्कुल एक बेहतरीन प्रयास की आवश्यकता। साथ में हमारे बीच में राकेश शिवानी जी, जनपद विशिष्ट सभापति, साथ में राजेश साहू जी, हमारे बीच में सोसाइटी अध्यक्ष गोरी बाका हमारे बीच में पहुंच चुकी है, और विवेक जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं नागपुरा से। आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आप सभी मंचक आसन करेंगे। राकेश शिवानी जी, सभापति जनपद पंचायत, साथ में राजेश साहू जी, सोसाइटी अध्यक्ष गोरी गार का, आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं दुर्ग जिला कबड्डी प्रीमियर लीग विधायक ट्रॉफी में आप सब आसन ग्रहण करके। साथ में अभी हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे बीच में पुष्पा यादव जी, अभी नव निर्वाचित माननीय श्रीमती पुष्पा यादव जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, मस्तक आसन करेंगे। सम्मान पूर्वक हमारे बीच में आयोजक परिवार, आयोजक मंडल के साथ में आपको आसन भी दिलाते हैं, आसन ग्रहण करके विराजेगा आप सभी। और क्वेश्चन पश्चात हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय गृह मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच इस मंच होंगे, तो मैं आज की जितनी प्रकार के हमारे बीच प्रक्रिया हो आप सभी तत्काल हमारे बीच करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास यहाँ पे किया गया है, और धराशाई कर दिए गए रेडर को डिफेंडर के द्वारा, एक कॉम्बिनेशन टैकल आपको देख सकता है यहाँ पे, क्योंकि इस टीम की इस चीज़ की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी, और उस चीज़ को बिल्कुल सफल किया यहाँ पे डिफेंडर को द्वारा, एक बेहतरीन रेडर को अपने टीम के मेन रेडर को उन्होंने बाहर किया है, और इस प्रकार से आगाज किया है कि मैच में हम वापसी कर सकते हैं। और ये विनय यहाँ पर देखते हैं, और लगातार दो टच रनिंग एक टच का प्रयास कर रहे हैं, खाली परसों का
प्रयास था यहाँ पे डिफेंडर के द्वारा 9 नंबर की जर्सी में और यहाँ पे पूरी तरह से बाहर के बाहर डैश कर दिए गए पूरी तरीके से डिफेंडर यहाँ पे रेडर आउट है और यहाँ पे टाइम आउट का इशारा है और बिल्कुल सलाम मशवरा करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे पिछड़ रही सरपंच की ओर आज का डिफेंस यहाँ पे दिख रहा है 5 प्लेयर शेष बचे हुए हैं विपक्षी खेमे में और बोनस ऑफ है तो निश्चित तौर पर आपको टच पॉइंट का प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि बोनस ऑफ है तो आपको टच पॉइंट लेना पड़ेगा और 5 के दौर में बता दूं कि पॉइंट लेना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होता है। जिस टीम का भी हमारे बीच में मैच संपन्न हो चुका है उसके कोच मैनेजर ध्यान देंगे आप अपनी टीम को पूरे टिकट के साथ में आप हमारे बीच मंच के सामने अपनी टीम के साथ आप हमारे बीच पहुंचेंगे पूरे टीम को किटअप करके के कोच मैनेजर ध्यान देंगे आप पूरी टीम को अपने किटअप के साथ कोच मैनेजर 8 टीम के जितनी भी हमारे बीच में 2 टीम का मैच अभी हो रही है और 6 टीम का जिनका भी मैच हो चुका है वो पूरे किटअप के साथ कोच मैनेजर आप हमारे बीच के मैदान के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे। एक बेहतरीन इस टीम का दिखाएगी करते करते टोटस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है रेडर के लिए और वो करके दिखाया है रेडर ने रनिंग करते करते एक टोटस किया है और निश्चित तौर पे एक पॉइंट मिला है और विनय यहाँ पे दोबारा रेस्ट और 20 पॉइंट लेने का प्रयास था देखते हैं और बिल्कुल निश्चित तौर पे रेफरी का डिसीजन 1 पॉइंट रेडर को 1 पॉइंट मिलते हुए सुजीत यहाँ पे वापसी में कोर्ट पे और 7 नंबर की जर्सी में दोबारा रेड पे यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं इस रेडर को जो कि अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों से निवेदन है कि जो भी टच पॉइंट होता है तो आप अपना हाथ उठा दो निश्चित तौर पे यहाँ पे अपील है कि खिलाड़ियों द्वारा अगर टच पॉइंट रहता है और दोबारा यहाँ पे पॉइंट लेकर जाते यहाँ पे 2 रेडरों के बीच टक्कर चल रहा है अभी पॉइंट है 14-27 किक का प्रयास यहाँ पे किया गया था लेकिन जो कॉर्नर है वो भी बेहतरीन कॉर्नर है जाने माने कॉर्नर है राइट कॉर्नर और यहाँ पे डैश कर दिए गए बेहतरीन डैश भूषण के द्वारा लेकिन ईच वन पॉइंट यहाँ पे इशारा है अगर आप डैश करते हैं तो आपको लॉबी में बना रहना है लेकिन आप कोर्ट से बाहर जाएंगे तो दोनों निश्चित तौर पर 1 पॉइंट दोनों टीम को दिया गया है और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया जा रहा है नंबर की जर्सी में है और सुजीत इसी प्रकार जनपद दोबारा देखते हैं जवाब में जाते हुए सुजीत देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं बहुत ही जाने माने रेडर सुजीत लगातार जर्क करते हुए दावा कर रहे हैं और यहाँ पे अपील कर रहे हैं एम्पायर को चैलेंज मत करें यार लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर दोनों तरफ सफल कर रहा है रेडर लेकिन खाली हाथ वापस जाना और यहाँ पे दोबारा सुजीत बोनस ऑन है उनके लिए लेकिन उनकी टीम काफी लीड पे है अभी 28 पॉइंट है जनपद के जवान 15 पॉइंट के रन पिछड़ रही है और यहाँ पे फिर जवाब होते हुए जनपद के जवाब 29 पॉइंट के साथ है जनपद के जवाब और 15 पॉइंट के साथ है सरपंच योद्धा कोच मैनेजर के साथ कोई भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त साथीगण नहीं बैठेंगे इस बात को ध्यान रखिए आप सभी कोच मैनेजर के पास केवल कोच मैनेजर ही बैठेंगे जिनका भी टीम का मैच है चल रहा है कोई भी साथीगण मैनेजर कोच मैनेजर के साथ में अपने साथ में नहीं बिठाएंगे ये आयोजक सरकार का आप 15-30 यहाँ पे पॉइंट जनपद के जाबाज और सरपंच ले रहा है टाइम आउट यहाँ पे लिया गया है जनपद के जाबाज के द्वारा सेकंड हाफ दोबारा रेड पे आए हैं लगातार यहाँ प्रयास और बेहतरीन प्रयास यहाँ पे किए गए हैं पकड़ लिए गए रेडर बहुत ही बेहतरीन टैकल यहाँ पे देखने को मिला है एक तरफा लीड के साथ चल रही जनपद की जवाब जो कि मैच को डोमिनेट कर रही है टीम को और वो भी सेमीफाइनल के मैच में जो कि जीते हुए छठे हुए टीम आती है सेमीफाइनल में
और उसमें डोमिनेट कर रही है, मतलब एक फाइनल की प्रबल दावेदार यहाँ पे दिखाई पड़ रही है हमको, क्योंकि आप निश्चित तौर पे औपचारिक रूप से आप कह सकते हैं कि टीम फाइनल में प्रवेश करेंगी, लेकिन मैच अभी बचा हुआ है, लेकिन लीड को देखते हुए लग रही है डोमिनेट करते हुए। और यहाँ पर रेड पे गए हैं इस टूर्नामेंट में, हेलो रेडों का दबदबा रहा है, रेड रेडों का दबदबा देखने को मिला है इस टूर्नामेंट में, और जिनके पास हेलो रेसाली वैल्स और एक बेहतरीन परसों और बीच से निकल कर पॉइंट लेने में माने जाते हैं, कहीं से भी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में रेड, और एक बेहतरीन शर्मा जी आपको टूर्नामेंट में कभी देखने नहीं मिला हुआ, स्कॉर्पियन किक लगा के प्रयास किया यहाँ, और एक पॉइंट निश्चित तौर पे, और सात नंबर की जर्सी में अपना प्रयास देंगे, समय व्यतीत का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है रेडर के द्वारा, क्योंकि उनको पता है उनका लीड एक बहुत ही बेहतरीन लीड के साथ वो थोड़ा इस मैच में आगे बढ़ाए रहे हुए हैं, तो उनको बिल्कुल प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है इस मैच में अभी तक तो। हेलो रेट पे आए हैं और बिल्कुल हर बार की तरह उनका प्रयास टू टच था, और इस बार बिल्कुल सफल रहे हैं, एक बेहतरीन टू टच बोलते हैं इसको, जो कि चक्कर किया जाता है राइट कॉर्नर को, जिसमें सफल रहते हैं अधिकतर तक, और चार पांच खिलाड़ी से बचे हुए हैं, पावर ऑफ है, अभी बोनस नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल टच पॉइंट के लिए जा सकते हैं रेडर, बिल्कुल अनावश्यक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है इस कंडीशन में। बिना रेड का है दोबारा बिना कुछ करना होगा, और एक बेहतरीन टीम का प्रयास यहाँ पे लगातार राइट इनके प्रयास, और एक बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन टोल टच यहाँ पे विनय के द्वारा देखे गए, खिलाड़ी के पास हर प्रकार के और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी भावना को खर्चा देते हुए, और यहाँ पे सुजीत द्वारा बोनस प्लस वन पॉइंट, दोनों टीमों के मत घमासान मैच चलता हुआ फर्स्ट में सेमीफाइनल, और यहाँ पे धू नारायण आउट पॉइंट बाई एक बहुत ही बड़ी बढ़त बना के रखी हुई है, और मैच ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है, मैच लगभग समाप्ति की ओर है, और 35 पॉइंट है जनपद के बाद सरपंच योद्धा का पॉइंट रखा है, एक बहुत ही बड़ा लीड यहाँ पे बनाए हुए हैं जनपद के बाद, और जवाबी से इस मैच को लीड करते हुए योद्धाओं को चारों खाना चीप करते हुए जवाब और राकेश ठाकुर जी बैठे हैं, जो कि बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े हैं, 100 पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को लीड करने वाले ये प्लेयर हैं, और इनको बाहर रखना ही इनके लिए सफल रहा है इस मैच में लीड बनाने का, बहुत बड़ा रीजन यही रहा है कि राकेश ठाकुर को चलने नहीं दिया है, क्योंकि ये प्लेयर मल्टीपल पॉइंट करने में एक्सपर्ट है, लेकिन उनको अगर आप खामोश रखते हैं इसका मतलब है कि आप टीम मैच में आगे बने रहेंगे। अब 2.5 मिनट के मैं इसे अभिनंदन करूंगा, कोच नजर ध्यान देंगे जो टीम हमारे बीच पहुंची हुई है, बाकी जितने भी टीम हैं जिनका भी मैच नहीं हो रहा है, और सभी टीम किट पहन करके
कोच मैनेजर के साथ में कीटम होकर के आप सभी मैदान के अंदर आकर के अपने स्थान ग्रहण करेंगे। कुरारी सरपंच भरत चंद्राकर जी, सरपंच जी भरत चंद्राकर जी, कुरारी सरपंच आपसे भी कहना चाहूंगा मस्तक आसन ग्रहण करेंगे। दो राइट पे है यहाँ पे इस समय सुजीत और उनका टीम बिल्कुल आरव के खतरे में मना रहा है। एक अच्छा प्रयास और बीच से निकल कर पकड़ने का प्रयास था डबल ट्राई वोल्ट का, लेकिन उसी प्रकार लीड को बरकरार बनाए रखे हैं जनपद के जाबाज ने, क्योंकि वो मैच में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार से उनका कवर चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, रेड चल रहा है, इसी प्रकार से उन लीड बना के रखे हुए हैं और लगातार ये प्लेयर अकेले अपनी टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। विनय बेहतरीन लीडर है और उसने अकेले दम से टीम को बनाने का प्रयास किया है, पूरे डिफेंस को समेट किया है और वहीं से भी प्रयास किया सफल होकर निकल रहे हैं। देर से आ दर्शक दीर्घो अवगत करा दूं, यहाँ पहला सेमीफाइनल मैच है जो कि सरपंच योद्धा और जनपद के जवाब के पहला सेमीफाइनल मैच और दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा रिसाली रॉयल्स वर्सेस पुडवा पैंथर्स के बीच यह मैच होगा। अभी पहला सेमीफाइनल मैच का कुछ समय शेष बचा हुआ है जो आप सभी आनंद ले रहे हैं और पॉइंट है 22-36। और जनपद जाबाज के 36 पॉइंट और सरपंच योद्धा 22 पॉइंट, जिसमें से कुछ समय आना शेष, केवल दो ही डिफेंडर और यहाँ पे सुपर टैकल का अपॉर्चुनिटी, तीन डिफेंडर सॉरी, और एक बेहतरीन टैकल यहाँ पे एंकल होल्ड का प्रयास और सपोर्ट उसी के साथ और एक सुपर टैकल यहाँ पे देखने को मिला है अंतिम दमोह मैच के और इसके साथ मैच समाप्त और मैच समाप्त। इस प्रकार से जनपद के जाबाज की पूरी टीम यहाँ पे जी चुकी है। कोच में उमर कोटी के सरपंच भी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं ठाकुर जी आप सभी का, मस्तक आसन ग्रहण करेंगे और जनपद के जवाब की सभी टीम को एक बार पुनः हृदय से आप सभी को दर्शक दीर्घा की ओर से सभी की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जो कि आपने फाइनल में अपनी प्रवेश जगह सुनिश्चित कर चुके हैं। और